कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी को जब से ईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तभी से पूरे देश में कांग्रेस की ओर से आंदोलन किए जा रहे हैं। और उसी तर्ज पर आज नागपुर शहर के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया है। शहर में शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस ने आंदोलन किया। आंदोलन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पुलिस के बीच फुटबॉल मैच भी हुई। ये मैं क्यों कह रही हूँ, ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखिए। आपके टीवी स्क्रीन पर सफेद कलर के शर्ट में दिख रहे वे कांग्रेस के युवा नेता बंटी शेर के, ये हमेशा अपने अलग आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। इस बार भी वही किया, बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर ऑफिस में जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने उन्हें रोक कर रखा और कार्यकर्ता उन्हें पुलिस की ओर धकेल रहे थे। इसी में ऐसा लग रहा था कि बंटी शेर के इंसान है कि कोई बॉल। मला वाटतं की ज्या पद्धतीनं राहुलजी आणि सोनियाजींना ईडी मार्फत त्रास देण्याचं षडयंत्र या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने केले रचलेलं आहे, त्याचा निषेध सर्व देशभरात आहे। नागपूरचे कार्यकर्ते सुद्धा संतप्त आहे। जर राहुलजींना त्रास द्यायचा असेल, त्यांना जेलमध्ये टाकायचं असेल, त्यांना हरासमेंट टाकायचं असेल, हे कतही काँग्रेसचा कार्यकर्ता खपून घेणार नाही। परंतु आमची लोकांना सुद्धा त्रास नाही झाला पाहिजे, पोलीस यंत्रणेला त्रास नाही झाला पाहिजे, ही आमची जबाबदारी आहे। परंतु या केंद्रीय केंद्र शासनाची जबाबदारी जर एका विरोधी पक्षाच्या नेत्याला अशा प्रकारे हरासमेंट करत असेल तर कतही काँग्रेसचा कार्यकर्ता खपून घेणार नाही, आम्ही सुद्धा जेलमध्ये जायला तयार आहोत। गांधी यांच्या विरुद्ध दडपशाहीच्या माध्यमातून लोकशाही ठेचून काढण्याचा प्रयत्न मोदी सरकार आणि ईडी करत आहे, त्याचंच प्रत्युत्तर तुम्ही पाहत असाल की लोक किती प्रचंड चिडून आहेत। या देशामध्ये लोकशाही आहे, हुकुमशाहीने देश चालू शकत नाही। ज्या ज्या देशांनी हुकुमशाहीच्या पद्धतीने चालण्याचा प्रयत्न केला त्या देशामध्ये लोक संपलेली आहे, नेते संपलेले आहेत। आणि म्हणून राहुल गांधींच्या विरुद्ध ज्या पद्धतीने षडयंत्र रचला जात आहे त्याचंच प्रत्युत्तर आज लोकांमध्ये अत्यंत मोठी चीड आपल्याला दिसत आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी, BCN News नागपूर।